दोस्तों स्वागत है आपका ट्रेड टीसी स्टाइल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आपको कम से कम 7-10% का प्रॉफिट कमा के देगी, वो भी शॉर्ट पीरियड के टाइम में। दोस्तों जी हां दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी का नाम आपको ऑलरेडी पता है, इसका नाम है अफलातून। और मेरे सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट पर ये स्ट्रैटेजी मैं आपको वापस पोस्ट कर रहा हूँ। वापस मैं आपको बेसिक्स के लिए आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट कब लेना है, कितना टारगेट रखना है, ये सारी बातें इस वीडियो में आप जान लोगे। और साथ में दोस्तों वीडियो के अंत में आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज होने वाला है। सरप्राइज में क्या होगा दोस्तों, मैंने जब से ट्रेडिंग शुरू की है उस टाइम से दोस्तों मेरे स्विंग ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो और प्रॉफिट एंड लॉस हमें इस वीडियो के अंत में शेयर करने वाला हूं। दोस्तों आपको भी ऐसे पोर्टफोलियो बनाना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हमें ऐसे पोर्टफोलियो बनाना है, प्रॉफिट देखने के बाद आप लिखिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज बात करते हैं अफलातून स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। दोस्तों आपको स्टॉक सिलेक्शन के लिए इस वेबसाइट पे आना है, मैंने ऑलरेडी इसकी लिंक आपको शेयर की है, लेकिन आज ये जो लिंक है वेबसाइट है अंडर मेंटेनेंस है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लाइव जो स्टॉक नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे रन स्कैन करना है। जब भी आप रन स्कैन करोगे दोस्तों आपको वहाँ पे नीचे यहाँ पे स्टॉक्स दिखेंगे। आज यहाँ पे स्कैनर अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, उसके वजह से आपको मैं यहाँ पे स्टॉक नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन के लिए ये वेबसाइट आपको यूज़ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा दोस्तों, हमें स्टॉक मिलने के बाद हमें एंट्री कब लेनी है, बुलिश कैंडल हमें देखनी है, बुलिश, ठीक है। बुलिश कैंडल के बाद हमें देखना है 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर होने वाला चाहिए स्टॉक। इस लिस्ट में यहाँ पे आपको बहुत स्टॉक मिलेंगे, कम से कम यहाँ पे आपको 20 से 25 स्टॉक मिलेंगे, लेकिन हम सब में एंट्री या पोजीशन नहीं बना सकते। तो जो क्राइटेरिया मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला क्राइटेरिया हमें बुलिश कैंडल देखनी है एंट्री के लिए, स्टॉक होना चाहिए 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग, दोनों के ऊपर स्टॉक ट्रेड करना चाहिए, उसके नीचे होगा तो हम लोग यहाँ पर पोजिशन नहीं बनाएंगे, उस स्टॉक को अवॉइड कर देंगे। और साथ में दोस्तों उस स्टॉक का फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट प्राइस उस दिन हमें ग्रीन में होना चाहिए, अगर ग्रीन में होगा तो हम लोग वहाँ पे नेक्स्ट डे वहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। तो ये हमें एक दिन पहले करना दोस्तों, समझो आप अभी मंडे है और अभी सैटरडे चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे आज स्टॉक सिलेक्ट करके रखेंगे, देखेंगे कि कौन सा स्टॉक का वहाँ पे 100-200 मूविंग के ऊपर चल रहा है, कौन से स्टॉक का वहाँ पे जो फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट प्राइस है वो ग्रीन में है। और थर्ड जो क्राइटेरिया होगा बुलिश एंट्री, ये हमें देखनी है मंडे को, अगर वहाँ पे हमें बुलिश एंट्री मिल जाती है तो हम लोग वहाँ पे पोजीशन बनाएंगे मंडे को, ठीक है। तो अभी स्टॉक का भी यहाँ पे आपको पता नहीं होगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जो NSE की वेबसाइट से, इस वेबसाइट से मैं आपको आज 3 स्टॉक्स बताऊंगा कि कैसे ये वर्कआउट होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए और कितना अच्छे तरीके से वर्कआउट होता है, ठीक है। तो ये जो जीरोधा का एप्लीकेशन है दोस्तों, यहाँ पे मैंने 3 स्टॉक ऑलरेडी आपको बताया है, ये जो स्ट्रैटेजी में फॉलो होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला स्टॉक है एशियन पेंट, स्टॉक सिलेक्शन कर लिया हमें। स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद हमें दोस्तों क्या देखना है, इसके पहले से वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे 2 चार्ट्स बनाने बोले थे, लेकिन अभी वो मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, आप यहाँ पे एक ही चार्ट रखिए। एक चार्ट के साथ में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने हाइकेन ऐसी सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले में जाके कैंडल है हाइकेन ऐसी, और हाइकेन ऐसी क्यों लिया दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल कैंडल में आपको वहाँ पे आइडिया नहीं आता है कि कैंडल वहाँ पे बुलिश बनी है या बेरिश बनी है। हाइकेन ऐसी में दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल बनी है, ये सारी कैंडल्स हैं ना जो ग्रीन वाली, ये बुलिश बनी है। तो ऐसे है बुलिश कैंडल पे हमें एंट्री लेनी है, और साथ में हमें देखना है दोस्तों ये देखिए ये 100 मूविंग लाइन एवरेज की लाइन है, ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन है, इसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तभी हम लोग पोजिशन बनाएंगे। देखिए इसके ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और बुलिश कैंडल मतलब ये कौन से भी बुलिश कैंडल पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड या पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे 2 क्राइटेरिया मैच हो गए, हम लोग क्या देखेंगे अभी एशियन पेंट का, यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं 4 तारीख का, ठीक है। देखिए 4 तारीख को बुलिश कैंडल भी बनी है, और 4 तारीख का डेटा हम लोग चेक करेंगे। देखिए एशियन पेंट का 4 तारीख का डेटा, ये देखिए जो फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट प्राइस है ये आया है ग्रीन में, और यहाँ पे हम लोग पोजीशन बनाएंगे 5 तारीख को दोस्तों। तो 5 तारीख को दोस्तों हम लोग कभी भी एंट्री बना सकते हैं। देखिए ये है 5 तारीख की कैंडल, तो आप यहाँ पे मॉर्निंग में ओपन होते ही एंट्री बनाइए या क्लोजिंग के टाइम पे एंट्री बनाइए, तो आपको वहाँ पे बेस्ट जो प्राइस होती है या ओपन में मिलेंगी या क्लोजिंग के टाइम पर मिलेगी,
और वहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 से कम से कम 4 वीक का टारगेट रख के चलेंगे। यहाँ पे कम से कम 5% आपको ईजिली अचीवेबल हो जाएगा। मैंने मेरे पुराने वीडियोस में आपको बताया था, 3 शेयर्स मैंने लिए थे 13 दिसंबर के आसपास, एक था बिरला सॉफ्ट, एक था LTI और एक था पॉलीकैप। तीनों स्टॉक ने मुझे वहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स दिए थे। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए और वहाँ पे सोचिए कि आपको ऐसे सारे क्राइटेरियाज मीट होने के बाद डेफिनेटली आपको वहाँ पे 5-8% का प्रॉफिट विद इन 2-4 वीक्स होने वाला है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एशियन ट्रेंड पे देखो दोस्तों, 5 तारीख से यहाँ पे हायर साइड जा रहा है। तो कम से कम दोस्तों इसके जो टारगेट होने वाले हैं वो 3,700 से 3,800 के आसपास आपको इजीली अचीवेबल हो जाएंगे और आपका जो टारगेट आपने रखा है 5-8% का वो भी मीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीनों क्राइटेरिया मैच हो गए। सेकेंड जो स्टॉक आपको बताऊँगा हिंडाल्को करके दोस्तों, ठीक है, मैंने हिंडाल्को का चार्ट यहाँ पे ओपन किया। ये देखिए, ये सारे बुलिश कैंडल्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों 100 और 200 मूविंग की लाइन। हम लोग इसके पहले यहाँ पे कभी एंट्री या पोजीशन नहीं बना सकते क्योंकि स्टॉक नीचे था। यहाँ से 31 दिसंबर से लेके स्टॉक ने अपसाइड मूवमेंट दिए और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करना यहाँ पे चालू किया। आज हम लोग देखेंगे वापस हिंडाल्को का 4 तारीख का फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये स्टॉक एज की वेबसाइट है दोस्तों, स्टॉक एज की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको फ्री में डेटा अवेलेबल मिलता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सिर्फ आपको ईमेल आईडी से यहाँ पे आईडी ओपन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 4 तारीख को दोस्तों फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट प्राइस ग्रीन में है। तो हम लोग 4 तारीख को यहाँ पर सब डेटा देख लेंगे और 5 तारीख को यहाँ पर पोजिशन बनाएंगे। तो 5 तारीख से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 475 से लेकर स्टॉक ने यहाँ पे ऑलरेडी 493 तक जंप मारी है। मतलब 20-25 पॉइंट्स आपको यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं, 25 पॉइंट्स तक। यहाँ पे आप देख सकते हो हाई मारा है 495। तो स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों इससे बेहतर स्ट्रेटेजी आपको कहाँ पे नहीं मिलेगी दोस्तों। थर्ड स्टॉक होगा दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे UPL का। ठीक है, चार्ट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक 100 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और हम लोग वापस क्या देखेंगे दोस्तों, 4 तारीख का डेटा चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 तारीख की जो कैंडल बनी है वो बुलिश ही बनी है और UPL का 4 तारीख का डेटा देखिए यहाँ पे कितना है, ग्रीन में है। और यहाँ पे देखिए 664 से लेके स्टॉक ने यहाँ पे हाई मारा है 788, मतलब 790 पकड़ लो, कम से कम 25 पॉइंट्स। तो यहाँ पे दोस्तों आपके जो टारगेट है 5-8% का वो इजीली अचीवेबल हो जाते हैं 2 से 4 वीक्स के आसपास। तो वहाँ पे आप अपना पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करके अच्छा खासा प्रॉफिट इन्जॉय कर सकते हो दोस्तों, यही कमाल है स्विंग ट्रेडिंग का। तो और एक क्वेश्चन सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था दोस्तों कि हमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट कब लेना है दोस्तों। एक तो आप मॉर्निंग में सुबह स्टॉक ओपन होने के बाद ही एंट्री बनाइए या फिर क्लोजिंग के टाइम, मतलब 3-3:15 के आसपास आप वहाँ पर पोजीशन बना सकते हो। क्योंकि वैसे भी हम लोग ये जो है स्टॉक या पोजीशन ये हम होल्ड करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लेकिन बेहतर चॉइस हमें मिलती है प्राइस की मॉर्निंग में या क्लोजिंग के टाइम पे। तो हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग में या आप बोल सकते हो 3-3:15 के आसपास वहाँ पे पोजीशन बनाएंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो ऐसे आपको फॉलो करनी है ये स्ट्रैटेजी, गारंटेड के साथ आपको प्रॉफिट यहाँ पे होने वाले दोस्तों। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था सरप्राइज़ के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो पोजीशन मैंने क्लोज की है और मैंने कितना प्रॉफिट किया है। उसके बाद में हम लोग दोस्तों देखेंगे मेरे करंट होल्डिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लोज पोजीशन, जहाँ पर मैंने कितना डिविडेंड कमाया है, कितना मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है, लॉस के भी यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कितने स्टॉक शेयर्स में मुझे लॉस हुआ है वो भी आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा दोस्तों। तो मैं अभी जाता हूँ क्लोज पोजीशन पे और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का नाम है पहला, उसके बाद में डिविडेंड मैंने कितना कमाया है, उसके बाद में रियलाइज गेन और लॉस है। तो IRSF में देख सकते हो आप तो 2000 के आसपास मुझे प्रॉफिट हो रहा है, गेन नहीं है दोस्तों, डिविडेंड है। SBI में मैंने अराउंड 43,000 कमाए हैं, SBI कार्ड में 16,000 के आसपास कमाया है। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट चल रहा है,
नज़ारा करके जो IPO था उसमें मैंने कमाया है दोस्तों। फेडरल बैंक में भी कमाया है, एंजल के IPO में मैंने यहाँ पे थोड़ा लॉस बुक किया था क्योंकि ज़्यादा टाइम से वो लॉस में चल रहा था, इसलिए मैंने बुक किया बाद में। लेकिन मुझे आप देख सकते हो प्रॉफिट में ही गया था एंजल ब्रोकिंग का स्टॉक। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कल्याण ज्वेलर भी मेरा IPO में लॉस हो गया दोस्तों। IPO मुझे लगा था, मैंने IPO में वहाँ पे नुकसान में निकाला था दोस्तों। नीचे आप देख सकते हो कैंप्स में भी मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया था, छोटे मोटे प्रॉफिट आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों। और बड़े बड़े प्रॉफिट्स आप डायरेक्टली नीचे ले सकते हो एक्सिस बैंक में, HCL टेक्नोलॉजीज में दोस्तों। तो ऐसे मैंने यहाँ पे एवरेज किए दोस्तों। मोस्टली मैंने IPOs को जो स्टॉक से उस वहाँ में भी नुकसान किए थे दोस्तों, इसलिए मैंने वहाँ पे वो बेच दिए हैं। बाकी के स्टॉक आप देख सकते हो अराउंड 1000-2000 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुए हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे करंट होल्डिंग्स में क्या चल रहा है दोस्तों, करंट होल्डिंग में कौन से स्टॉक्स हैं मेरे पास अभी। और करंट होल्डिंग मुझे अभी तक 70% के आसपास प्रॉफिट दे रहा है। IRFC मैंने आपको बताया मुझे IPO में लगा था अराउंड 25 के आसपास और उतना चल रहा है। डिविडेंड के मुझे मिला है इसलिए मैंने वो बेचे नहीं है। यहाँ पे आप माइंडट्री भी देख सकते हो 400% के आसपास रिटर्न है। हीरो मोटोकॉर्प भी है यहाँ पे, इन्फोसिस भी है, मदरसन सुमी और फेडरल दोस्तों। ये सारे स्टॉक्स फिलहाल मैं होल्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे 70% के आसपास मुझे प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल मिला के दोस्तों। ठीक है, सबसे बेहतरीन स्टॉक मेरा है यहाँ पे माइंडट्री, जो भी पोजीशन बनाई थी शॉर्ट टर्म पे, लेकिन अभी प्रॉफिट होने के कारण मैं यहाँ पे मैं बेच नहीं पाया हूँ। और म्यूचुअल फंड में भी मेरी थोड़ी होल्डिंग्स है यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों। तो ऐसा मेरा पोर्टफोलियो है, अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।